नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कौड़िया स्थित श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कौड़िया में आज घमागमी के बीच प्रबंध समिति का चुनाव सकुशल सम्पन्न हुआ। चुनाव अधिकारी बेन बहादुर सिंह ने बताया कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हुई। मतदान प्रक्रिया के बाद पुनः 3 बजे मतगणना प्रारंभ हुई, जिसमें प्रबंधक पद के लिए राजेश सिंह को चुना गया, अध्यक्ष पद के लिए स्वामीनाथ सिंह को, उपाध्यक्ष पद के लिए राम कृपाल उपाध्याय, उप प्रबंधक पद के लिए हनुमंत सिंह, कोषाध्यक्ष पद के लिए जंग बहादुर सिंह को चुना गया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि कुशल चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारी को चुनाव अधिकारी द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। प्रबंधक राजेश सिंह ने कहा कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने पद और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के विकास कार्यों को गति देने का काम करूंगा। मैं आपको बता दूं, इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह, कमला सिंह, जंग बहादुर सिंह, नरेंद्र सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, रमेश चतुर्वेदी, राम कृपाल उपाध्यक्ष, राजेश सिंह, सीताराम सिंह, स्वामी नारायण सिंह, सुधा शंकर सिंह, हनुमत सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है प्रबंधक राजेश सिंह ने, आप सुनिए। राजेश सिंह, हमारे स्कूल श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कौड़िया आजमगढ़ में प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 12 कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाते हैं, जैसा हमारे स्कूल का बाइलाज है। और फिर 12 सदस्यों के निर्वाचन के बाद कार्यवाही के द्वारा 12 सदस्य ही प्रबंधक, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक और उप प्रबंधक चुनते हैं, जिसका चुनाव भी संपन्न हो गया। मैं प्रबंधक चुना गया हूँ, सर्वसम्मत से चुना हुआ है। श्री स्वामीनाथ सिंह अध्यक्ष चुने गए हैं, श्री राम कृपाल उपाध्याय जी उपाध्यक्ष चुने गए हैं, श्री हनुमंत सिंह उप प्रबंधक चुने गए हैं और जंग बहादुर सिंह कोषाध्यक्ष। चुनाव में कुल 49 वोट थे, जिसमें 46 लोगों ने हिस्सा लिया। चुनाव जो होता है, जैसे चुनाव प्रबंध समिति तय करती है कब होगा, समय के अंदर होना चाहिए। 5 साल का चुनाव होता है, तो पिछली बार 10 फरवरी को हुआ था 19 में, तो उसके अंदर ये चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। तो 5 तारीख को नॉमिनेशन था और 7 तारीख को मतदान था, तो 7 तारीख को मतदान हो गया, फिर मतगणना हुई, सब लोग निर्वाचित घोषित किए गए और ये प्रक्रिया 5 साल पर हर बार होती है। इसके पहले भी हम पिछले 30-35 साल से प्रबंधन, और माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक ने पर्यवेक्षक भेजा था, जिसमें श्री मनोज कुमार सह जिला विद्यालय निरीक्षक पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे, और श्री बेन बहादुर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य श्री गुरुकुल गांधी इंटर कॉलेज भवरनाथ, चुनाव अधिकारी थे, जिन्होंने विधिवत चुनाव संपन्न कराया। पुलिस प्रशासन और तमाम जनता की उपस्थिति में यह चुनाव होता है हर 5 साल पर, इस बार भी उसी तरह का चुनाव संपन्न हुआ निष्पक्ष रूप से। मैं बेन बहादुर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ आजमगढ़, यहाँ चुनाव के बारे में बता रहा हूँ ना, यहाँ नियुक्त चुनाव अधिकारी हूँ मैं। अपनी देख रेख में दिनांक 5/2/24 को पूर्व निर्धारित समयानुसार कुल नामांकन पत्र जांच कराया, नामांकन पत्रों की जांच किया, 24 नामांकन पत्र वैध पाए गए, इसके अतिरिक्त किसी ने कोई नामांकन नहीं किया। फिर 7/2/24 को प्रातः 8 बजे से 9 बजे के बीच में मतदान अभ्यर्था का निर्धारण प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसमें श्री जंग बहादुर सिंह, श्री सुधा शंकर सिंह, श्री बीरेंद्र सिंह, श्री गोकरण सिंह ये अभिकर्ता नियुक्त किए गए चुनाव अभिकर्ता। फिर 7/2/24 को पूर्व घोषित परिणाम के अनुसार 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मतदान करने से पूर्व मतमेटिका उपस्थित अभिकर्ताओं के समक्ष रिक्त दिखाकर सील कर दी गई थी। 12 सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकित प्रत्याशियों के मतदान का कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 बजे प्रातः से 2 बजे अपराह्न तक प्रवेशकों की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये हैं हम वही लिखे वही बोलेंगे ना, यही सभा कुछ 46 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। प्रक्रिया ये जो पूरी हम पर बोल दे रहे हैं आपको, मुझमानी थोड़ो हाँ।
सदस्य कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रत्याशियों के मतदान का कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 बजे प्रातः से 2 बजे अपराह जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्त परीक्षक की देखरेख में शांतपूर्ण रूप तरीके से संपन्न हुआ। इसमें साधारण सभा कुछ 46 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। कुल सदस्यों की संख्या 49 थी। 3 सदस्य अनुपस्थित पाए गए। अभिकर्ताओं के समक्ष मतपेटिका सील कर दी गई का निर्धारण किया गया जिनके देख रेख में क्या किया जाएगा मतगणना प्रारंभ की जाएगी। उनके देख रेख में मतगणना प्रारंभ की गई। जिला विद्यालय द्वारा नियुक्त 3 पर्यवेक्षक नियुक्त थे और मैं चुनाव अधिकारी था सबकी देख रेख में और 4 पर्यवेक्षक थे जिनकी देख रेख में मतगणना प्रारंभ की गई। मतगणना निम्नवत रही। ओंकार बनवाल 21 वोट, ओम प्रकाश सिंह 25, अवधेश प्रताप सिंह 19, अली अब्बास 21, कमला प्रसाद सिंह 25, गोकरण सिंह 22, गोरखनाथ सिंह 21, जंग बहादुर सिंह 26, तहसीलदार सिंह 21, नरेंद्र सिंह 24, नरेंद्र प्रसाद 20, प्रहलाद श्रीवास्तव 22, ब्रजेश कुमार सिंह 24, बीरेंद्र सिंह 21, रमेश चंद्र चतुर्वेदी 25, श्रीनाथ सिंह 21, राम कृपाल उपाध्याय 25, इस तरह 25 और नहीं दे राजेश सिंह 28, राजेंद्र सिंह 17, सीताराम सिंह 26, स्वामीनाथ सिंह 25, सुधा शंकर सिंह 26, सूबेदार सिंह 19, हनुमान सिंह 24।